ओम तत्सत। कई बार इस विषय पर चर्चा हुआ है कि भगवान श्री राम हो या पार ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक दिन में आए, एक रात में आए। दिन में राम राम जपो और रात में कृष्ण कृष्ण जपो। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जगत में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। तो दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं। कभी इसकी तुलना करने वाले जो लोग होते हैं ना, कई बार आपस में भी कई बार लोग वाद विवाद करते हैं। वस्तुतः मैं कहूँ तो ये दोनों ही अज्ञानी नहीं, मूर्ख हैं। मूर्ख भी नहीं, महामूर्ख हैं। मैं तो दोनों के मज़े लेता हूँ, दोनों के झगड़े। अरे दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही तत्व हैं। कई बार तो लोग राधे और कृष्ण में भी जो है सोचते हैं अलग अलग है। नहीं, एक ही हैं, एक ही तत्व हैं। अलग करके देखना ही तो महापाप है। बात आती है राम और कृष्ण की जीवन शैली की, तो देखिए श्री राम जो है, श्री राम का घर छोड़ करके जंगल जाना, एक षड्यंत्र और षड्यंत्रों से घिरे हुए राजकुमार की करुण कथा है। कृष्ण का घर छोड़ करके जाना गुड़ कूटनीति है। राम जो आदर्शों को निभाते हुए कष्ट सहते हैं, समाज में एक आदर्श स्थापित करते हैं, वही कृष्ण षड्यंत्रों के हाथ नहीं आते, बल्कि स्थापित आदर्शों को चुनौती देते हुए एक नई परिस्थिति को जन्म देते हैं। जरा सा इस चीज़ को समझना पड़ेगा। श्री राम से श्री कृष्ण हो जाना एक सरल प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है, ये कंटिन्यूटी है। क्योंकि भगवान श्री राम सीधे साधे हैं और हमारे बाल गोपाल को देखिए टेढ़े मेढ़े हैं। जब सीधा सरल चीज़ समझ में नहीं आता है तो टेढ़ा मेढ़ा तो समझने में बहुत जो है समय लगेगा, समझ ही नहीं पाएंगे। सीधे रास्ता पर यदि गाड़ी नहीं चल रही है आपसे, उसी में कन्फ्यूज हैं, तो फिर टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी कैसे समझेंगे। तो कृष्ण भगवान की जो है जीवन शैली अनुकरणीय नहीं है, अस्मरणीय है। ध्यान रखिएगा, भगवान श्री राम का जीवन अनुकरणीय है। वह एक परिवार नीति, एक राजनीति, एक जो है भ्राता नीति, एक पति पत्नी के बीच का संबंध, हर जगह एक मर्यादा स्थापित करते हैं। चाहे वो बचपन के दिन उनके हों या जब राजा बन गए वो दिन हों, हर जगह एक जो है हर एक जगह आदर्श स्थापित करते हैं। और कृष्ण भगवान भी उन्हीं आदर्शों का उपयोग करके जो है एक जो है मर्यादा को स्थापित उन्होंने किया है। श्री राम से श्री कृष्ण होना जो है एक सतत प्रक्रिया है। श्री राम को जो है मारिच भ्रमित कर सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को वह मारिच भ्रमित नहीं कर सकता है। लेकिन कृष्ण को पुतना की ममता भी समझ में आ जाती है, वह उलझा नहीं पाती है। श्री राम अपने भाई को मूर्छित देख करके ही बेसुध बिलख पड़ते हैं, लेकिन भाई ने जो बलराम जी हैं और वहीं भगवान कृष्ण को देखिए, कृष्ण अभिमन्यु को भी दांव पर लगा देते हैं, नहीं हिचकते हैं। राम राजा हैं, कृष्ण राजनीति के माहिर रथ हैं। स्वयं से कभी हथियार नहीं उठाया, लेकिन हर हथियार जो है उन्होंने चलवा दिए। राम रण है, कृष्ण रणनीति है। ध्यान रखिएगा, राम राजा हैं और कृष्ण राजनीति के धुरंधर हैं। श्री राम जो है मानवीय मूल्यों के लिए लड़ते हैं, श्री कृष्ण मानवता के लिए लड़ते हैं, मानवता के लिए अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। श्री राम त्याग की विषय वस्तु हैं, वैराग्य को धारण किए हैं, और कृष्ण अधिकार को सिखाते हैं, कर्म को सिखाते हैं। श्री राम धर्म हैं, तो श्री कृष्ण धर्म की स्थापना करते हैं, वो धर्म सिखाते हैं और कृष्ण धर्म की स्थापना करते हैं। ये मूलभूत अंतर को थोड़ा सा समझते जाइएगा। हर मनुष्य की यात्रा श्री राम से ही शुरू होती है और समय उसे कृष्ण बनाता है। क्योंकि इस संसार में है ना, संसार से भागने के लिए कृष्ण भगवान नहीं कहते हैं, वो तो कहते हैं ना आसक्ति न विरक्ति अनासक्ति। संसार में रहो मगर संसारिकता में नहीं रहो, संसार में बसो फंसो नहीं, ये कृष्ण सिखाते हैं। कृष्ण की गीता
सीखने वाली है और श्री राम गीता भी सीखने वाली है जो भ्राता लक्ष्मण जी को उन्होंने बताया है। व्यक्ति का कृष्ण होना भी उतनी ही जरूरी है जितना राम होना, लेकिन राम से प्रारंभ हुई यह यात्रा तब तक अधूरी है जब तक इस यात्रा का समापन कृष्ण पर न हो। अर्थात श्री कृष्ण के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और श्री राम के जीवन से भी हम मर्यादा, परिवार नीति, राजनीति सब कुछ सीख सकते हैं, बशर्ते कि जब कर्म में आते हैं, जब हमको कर्म ही धर्म है ये भाव आती है, क्योंकि कृष्ण भगवान कर्म योग सिखाते हैं। और रिश्तों को निभाना आप देखना चाहते हो तो श्री राम से सीखिए। तो दोनों कहीं भी एक दूसरे से ऊपर और नीचे नहीं है। ये हमारी मानसिकता कई बार ऊपर और नीचे आ जाती है कि अनेक संप्रदाय, सत्य सनातन धर्म में एक स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि स्वतंत्रता के नाम पर हम कुछ भी अनर्गल बातें कर लें। इसलिए जीवन में ध्यान रखिए कि श्री राम का जीवन आदर्श स्थापित करने के लिए है, आदर्श जीवन है, वह हम उतार सकते हैं, अनुकरणीय हैं, हमें जीवन में उतारना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण का जीवन अनुकरणीय नहीं, अस्मरणीय है, क्योंकि जब तक श्री राम को हम जीवन में जी नहीं पाएंगे तब तक कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि आप सोचेंगे कालिया नाग पर हम डांस कर लें, कीजिए, राधा के साथ डांस कर लेंगे आप 11 साल के उम्र के बाद, कभी उन्होंने राधा की तरफ पलट करके नहीं देखा भगवान कृष्ण ने। क्या आप 11 साल के उम्र के बाद कभी सोच सकते हैं? आप राधा राधा करते हैं, उन्होंने राधा से प्रेम किया, प्रेम की धारा में जो बह गया वही राधा है। आपका काहे का प्रेम है? आप तो इस संसार में स्वार्थ बस एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से सुख के लालच में कि हम तुम्हें सुखी करेंगे, तुम हमें सुखी करोगे, क्योंकि ये तो लालच है, ये तो वासना है। प्रेम कहाँ है? प्रेम होता तो आप कृष्ण भगवान मक्खन क्यों चुराते हैं? वस्तु तो मक्खन प्रेम का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, प्रेम समर्पण है, प्यार धोखा है, प्यार एक दूसरे से स्वार्थ नीति है, एक दूसरे से स्वार्थ की पूर्ति का बहाना है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्रेम अलग है, प्यार अलग है। प्रेम तो वो है जिन्होंने गोस्वामी तुलसीदास का जीवन बदल दिया, मीराबाई ने जो प्रेम किया वह प्रेम होता है, सूरदास ने जो प्रेम किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रेम किया, कबीरदास ने प्रेम किया, रैदास ने प्रेम किया, स्वामी विवेकानंद ने प्रेम किया, रामकृष्ण परमहंस ने काली मैया से प्रेम किया, वह प्रेम है, वह प्रेम है। और समाज में जो देखते हैं वह क्या है? प्यार है। प्यार क्या मतलब? एक व्यवहार है। तो जीवन में प्यार से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रेम है, और श्री कृष्ण प्रेम के प्रतीक हैं, श्री राम प्रेम के प्रतीक हैं, और दोनों का नाम सुमिरन, दोनों का चिंतन जीवन को इंसान से महान बनाता है, व्यक्ति से व्यक्तित्व में बदल देता है। लेकिन उनके मर्यादा को समझें। श्री राम सीधे साधे हैं, पहले सीधे साधे को समझ लें, उसके बाद कृष्ण को समझिएगा, कृष्ण को भजिएगा। इसलिए दोनों तत्व अलग अलग नहीं हैं, दिन में भी भगवान हैं, रात में भी भगवान आए। इसलिए जीवन में देखेंगे तो दोनों प्रकट हुए हैं, भय प्रकट कृपाला। इसलिए जीवन में कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि एक छोटा है एक बड़ा है, दोनों एक ही तत्व हैं। ये आपके समझने का फेर है। इसलिए मैं हर जगह कहता हूँ ना, हरि ओम तत्सत, वह प्रणव नाम जो हरि का है वही एक तत्व है, जो सत्य है वो विखंडित नहीं है, वो अलग अलग नहीं है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।